जी मैं आज ना अम्मी के घर गई थी तो उन्होंने मुझे सूट गिफ्ट किया जी। मैं आपको दिखा दूँ मैं इसका कलर है रॉयल ब्लू सा कलर है इसका, अच्छा है। तो इसका दुपट्टा जो है ना ये लेस वाला दुपट्टा है, ऐसे आजकल ये न्यू स्टाइल है, अच्छा लग रहा है। खोल के दिखा देती हूँ सही तरीके से। अरे मैं इसकी शर्ट तो दिखाऊँ वहाँ रख के दिखाओगी ना चार पाई पे या चीज पे फिर नजर आएगी सही। ये इसका गला है यानी ऐसे होगा ये इस तरीके से, अच्छा प्रिंट है। आपको कैसा लग रहा है बताइएगा जरूर। ऐसे करके दिखाओ। और आस्तीनें भी इसी के अंदर है, आस्तीनें इस साइड पे होती हैं। ये सेंटर में से हाफ करेंगे इसको ऐसे, और इसका दुपट्टा ही है। तो पूरे में प्रिंट है, अच्छा है। सर्दियों का ना लिनन का ये स्टफ है ये, और बहुत अच्छा वाला है। और ये इसके साथ मिला था हमें इसका लुक कि आपने कैसे बनाना है, ये भी अच्छा लग रहा है। और ये मेरा बेटा लाया था मिठाई, ये भी आपको दिखा दें हम। ये हमारे यहाँ हजवेरी की शॉप है, ये गुलाब जामुन लेकर आया था आज, सैलरी मिली है उस खुशी में, बड़े मजे की मिठाई है। तो ला के उसने सैलरी सारी अपने अबू को दे दी है, कहता अबू आप रखें बैठ जाओ बैठ के बता दो। नजर नहीं आ रही है इसको, मैं फोल्ड करूंगी सर की, कल मैं इसके फिलिंग करूंगी, फिलिंग करना है इसको। कल भी दिखा भी दियो ना कैसे कटिंग करती हो या कैसे बनाती हो। हाँ मैंने बताना था कि मैं जो है ना सादा शलवार उसकी कटिंग आपको बताऊंगी कि आपने आपके पास अगर 2 मीटर का कपड़ा है ना, 2 मीटर में से यानी कि मेरे जैसा फिगर रखने वाली जो खवातीन है तो वो बेशक 2.5 मीटर का ना लें, 2 मीटर में कैसे अपनी शर्ट ये ट्राउज़र बनाएंगी, ट्राउज़र या सादा शलवार, ठीक है। तो फिर मैं आपको बताऊँगी क्योंकि अमूमन जो है ना फोल्ड करके अर्थ इतना ही होता है, ठीक है। ये 18 या 19 इंच का होता है ये इसकी चौड़ाई। फिर आपको मैं कल जो वीडियो बना, तो ये खुद ही कटिंग कर लेती हो और खुद ही सी लेती हो, ये बता दो ना सही तरीके से। हाँ मैं तो खुद ही सी लेती हूँ, सही है। फायदा तब है जब आपको कटिंग भी आए और सिलाई करनी भी आए, सही है। तो ये आपको काम जरूर सीखना है आपने भी, साथ में कुकिंग साथ में सिलाई, सही है। दो चीजें आनी चाहिए लाजमी, इसलिए ये सारी जिंदगी काम आती है। लड़की जितनी मर्जी भी पढ़ी लिखी हो लेकिन अक्सर औकात होता है कि हालात भी करते क्या देर लगती है, सही बात है। तो आपको हर तरह करे, हाँ आपको ये कि हर तरह के हालात को मैनेज करना आना चाहिए, और अपने शादी के बाद अपने हस्बैंड का आप साथ ऐसे दे सकते हैं कम से कम उसको टेलरों के खर्चों से बचा लें, सही है। तो टेलर का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, तो हमने देखा ना जैसे अब 800-900 का एक शर्ट की सिलाई है, इतने पैसे मिला के एक सूट आ जाता है, और पाइपिंग लगाने के भी कितने पैसे ले लेते हैं। तो फिर सारा कुछ मिला के जो भी कुछ टेलर लेगा धारा वो देना तो पड़ेगा। पाइपिंग भी सिखा सकती है, तो ये एक ब्लॉग बना लेना ना किसी दिन अच्छा सा ये, जब तुम ये करोगी हाँ। कटिंग वगैरह इसकी और पाइपिंग शाइपिंग कैसे थोड़ा सा मौसम सही हो जाए, सही है। ये के दिन खुलेंगे ना जरा तो फिर सब खुल गए, तो काफी खुल गए हैं, मशीन के मशीन पे बैठे हैं और काम कर रहे हैं, धूपें निकलनी शुरू हो गई हैं। तो इंशाल्लाह तब आपको नया फिर बताएंगे साथ साथ में जो है ना कट्स कपड़ों के जो कट्स होते हैं मॉडर्न कट्स वो फिर आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। और सिलाई के कुछ हैक्स हैं वो बताऊंगी, ठीक है। इलास्टिक के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में, क्योंकि अक्सर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें लगता है कि ये आम सी है लेकिन हम करके देखते हैं हमें इतनी अच्छी लगती है ना वो छोटी चीज़ें, लगता है कि हाँ हमने पहले क्यों करनी भी आनी चाहिए ना, हाँ पहले क्यों नहीं किया हमने, करनी भी आनी चाहिए, बिल्कुल आसान होती हैं बिल्कुल। तो मैंने तो किए तो मुझे मजा आ गया करके, सही तो है। मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूं। अगर तुम्हारा सब्सक्राइब नहीं किया चैनल अभी तक तो जो पहली दफा देख रहे हैं
क्या करें, पहली बार जो देख रहे हैं मेरी वीडियो वो लाजमी सब्सक्राइब करें, और क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, और मेरी जो नई वीडियोज हैं ताकि आपके पास पहुँच जाए बिना किसी रुकावट के, और आप लोग उसको देखें और शेयर करें और लाइक करें। तो यही होती है रूटीन, एक डेली रूटीन, मॉर्निंग रूटीन, नाइट रूटीन, हाउसवाइफ की। ये हमारा इवनिंग वाला ब्लॉग है, आज सुबह में हमसे नहीं बना कोई भी, टाइम नहीं था इसलिए कि आज अम्मी घर गई थी, घर गई थी वो, तो वहाँ आज खाना वगैरह था, वहाँ से मैं शाम को आई थी, तो फिर अम्मी ने मुझे गिफ्ट किया था ये सूट, आपको दिखा दूँ, ठीक है, शेयर करूँ आपके साथ। तो फिर लेकिन लाजमी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं न्यू हूँ, और भी कई लोग हैं जो न्यू हैं, तो हम सबने हमसे कोलैबोरेट करना चाहें तो कोलैबोरेट भी कर लें, नए वाले, नए चैनल वाले हमसे मिलें, हमसे बात करें, हमसे कोलैबोरेट करें, पुराने भी कर लें, कोई गोल तो हमारे सबका एक ही है, पुराने को जरूरत नहीं है ना कोलैबोरेशन की, जो नए होते हैं उनको जरूरत होती है। अच्छा, अल्लाह सबके साथ भला करेगा, ठीक है, चलो जी, कर रहे हैं तो मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।